हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं प्रणोद एवं दाब या ट्रस्ट एंड प्रेशर्स के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं अपने सेशन पर, जो कि है प्रणोद एवं दाब। या हम समझेंगे, जो पूर्ण रूप से हम समझेंगे दोस्तों, वो समझेंगे दाब के बारे में ना। तो देखिए दोस्तों, क्या है हमारा बिंदु समझेंगे, प्रणोद एवं दाब, जिसे हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के रूप में भी जानते हैं। देखिए, किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद या थ्रस्ट कहा जाता है, तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल या पर यूनिट एरिया पर लगने वाला बल लंबवत बल दाब या प्रेशर कहलाता है। समझिएगा, कोई भी सतह है और उसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, उस सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहेंगे, तथा उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल वाले बल पर लगने वाला लंबवत बल जो होगा, वह दाब कहलाएगा या प्रेशर कहलाएगा। समझेंगे, आप समझ रहे होंगे कि प्रेशर क्या है ना। कोई भी वस्तु होती है, आप उस पर दबाव डालते हैं तो वह एक प्रकार का क्या हुआ, प्रेशर हुआ, क्योंकि आप उस पर क्या कर रहे हैं, दाब दे रहे हैं। तो दाब कैसे होगा, यदि प्रति इकाई क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल या जितना एरिया उसका होगा, उस पर लंबवत आपने सीधा कोई बल लगाया तो वह नीचे की ओर दबेगा। तो लंबवत प्रक्रिया में आप उसके पूरे एरिया पर जब दाब लगाते हैं या बल का प्रयोग करते हैं, तो वह क्षेत्रफल सॉरी तो वह प्रेशर उत्पन्न करता है, यह दाब कहलाता है। चर्चा करते हैं यहीं अपने अगले बिंदु पर और समझेंगे स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे रूप से। तो देखिए, ये क्या है, एक प्रकार की बुक है, समझ लिए, एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ये बुक है। और इसका एरिया देखिए ऐसे, और इसका एरिया ऐसे कुछ है ना। इस पर लंबवत आपने बल लगाया, लंबवत आपने बल लगाया, तो इसके टोटल एरिया जो है दोस्तों, इसका जो टोटल एरिया है उस पर क्या लग रहा है, बल। तो यह जो चारों तरफ इसका एरिया होगा, वह नीचे की ओर दबेगा, नीचे की ओर दबेगा। तो आपने फोर्स कहाँ से अप्लाई किया, लंबवत दिशा से ना, आपने फोर्स लंबवत दिशा पे अप्लाई किया। जो बल आपने लगाया वो लंबवत दिशा में लगाया, और एरिया जो था उसका क्षेत्रफल जो था, वह पूरी उस लंबवत की दिशा में आ गई, और वह एक दाब को उत्पन्न की, तभी तो बुक नीचे की ओर दबेगी। वहीं हम चर्चा करते हैं इसी सूत्र पर कि दाब बराबर क्या होता है, तो आरोपित बल, जिसे हम प्रणोद कहते हैं, बटे सतह का कुल क्षेत्रफल। देखिए, आप कोई लंबवत बल किसी भी बुक या किसी भी वस्तु पर लगाएंगे, तो वह उसका सतह के कुल क्षेत्रफल का आरोपित बल जो प्रणोद होगा, उसका भागफल होगा ना। किसी तरह पर लंबवत आरोपित बल या प्रणोद बटे सतह का कुल क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ये आप याद रखेंगे, तो फॉर्मूला है, इसे भूलिएगा नहीं, के रूप में भी लिखते हैं शॉर्ट रूप से। देखिए, यदि एक वर्ग, ध्यान दीजिएगा, यदि एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सतह पर एक न्यूटन का लंबवत बल लगाया जाए, तो सतह पर एक पास्कल अथवा एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का दाब आरोपित होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यदि एक वर्ग मीटर या एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सतह पर एक न्यूटन का लंबवत बल लगाया जाता है, तो सतह पर कितने पास्कल का दाब या बल आरोपित होता है, तो एक पास्कल। कितना दोस्तों, एक पास्कल बल जो होता है वह आरोपित होता है आपके दाब पर। ये आपको बिल्कुल भी याद रखना है और आगे की ओर बढ़ना है। देखते हैं हम अगले पॉइंट या अगले बिंदु के बारे में कि वह क्या है। देखिए, समझेंगे कि दाब कैसी राशि है और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, और उसके बारे में अत्यंततः रूप से हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिसके कारण हमारा वीडियो आप तक तुरंत से पहुंच जाए, जैसे ही अपलोड करा जाए यहां से वहां पर तुरंत ही अवेलेबल हो जाए आपके मोबाइल फोन में। तो देखिए, दाब एक कैसी राशि है दोस्तों, तो दाब जो है, दाब वह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वह पास्कल अथवा
न्यूटन मीटर है। स्पष्ट यह है कि दोस्तों किसी भी सतह, कोई भी सतह पर पड़ने वाला दाब उस सतह पर आरोपित लंबवत बल के अनुक्रमानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि कोई लंबवत दिशा किसी भी वस्तु के ऊपर दबती है या प्रेशर करती है तो उसका जो कुल एरिया होता है वह टोटल इस पर कार्य करता है, कुल एरिया पर कार्य करता है। आपको दिख रहा होगा कुल कार्य करता है उसके क्षेत्रफल पर, उसके क्षेत्रफल पर। ये आपको बिल्कुल भी देखिए ध्यान देना है। देखिए क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वहीं आरोपित लंबवत बल जो होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है तथा सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यदि देखिए, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है आपके पास, ये देखिए कोई वस्तु है आपके पास, उसका सतह के क्षेत्रफल को अपवर्ती या अपरिवर्तित रखते हुए बल की मात्रा में वृद्धि एवं कमी की जाए तो सतह पर पड़ने वाले दाब में भी क्रमशः वृद्धि एवं कमी होगी। इसके विपरीत यदि बल को अपरिवर्तित रखते हुए सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो सतह पर आरोपित दाब के में कमी होगी तथा यदि क्षेत्रफल में कमी की जाए तो सतह पर आरोपित दाब में वृद्धि होगी। कितने कथन आपने इसमें समझे कि यदि क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना हो तो उसके मात्रा में वृद्धि एवं कमी की जाए तो सतह पर पड़ने वाले दाब में भी क्रमशः वृद्धि व कमी होगी। यदि सतह का क्षेत्रफल अपरिवर्तित हो तो वृद्धि एवं कमी होगी। यदि यही विपरीत दिशा यदि विपरीत हो तो यदि बल को अपरिवर्तित रखते हुए सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो सतह पर आरोपित जो दाब होगा उसमें क्या होगी, कमी होगी तथा क्षेत्रफल में भी कमी की जाएगी तो सतह पर जो दाब होगा या सतह पर जो आरोपित दाब होगा उसमें क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बल और मात्रा में वृद्धि होगी एवं कमी होगी। वहीं पर बात करते हैं यदि हम क्षेत्रफल में सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो सतह पर आरोपित दाब में कमी होगी तथा यदि क्षेत्रफल में कमी की जाए तो सतह पर आरोपित दाब में वृद्धि होगी। देखिए अगला बिंदु क्या है ये समझिएगा ना, पेज खाली है बता रहे हैं। प्रेशर दाब क्या है आखिर ना, दाब क्या है समझेंगे अच्छे से कि दाब क्या है। देखिए दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जब कोई दाब होता है दोस्तों तो वह क्या होता है ना, जब दाब अधिक हो तो क्या उसका क्षेत्रफल कम होता है और जब उसका क्षेत्रफल अधिक हो तो क्या उसका दाब कम होता है, ये जानेंगे। ध्यान देना दो कॉलम बना दे रहे हैं ना, सॉरी देखिए स्केच थोड़ा चेंज कर लें। ध्यान देना ना, देखिए जब दाब अधिक हो और क्षेत्रफल कम हो तो क्या होता है, प्रेशर क्या हो रहा है आपका, अधिक हो रहा है और आपका जो एरिया है दोस्तों, एरिया जो है आपका वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यही हम बात करें यदि क्षेत्रफल अधिक हो और दाब कम हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा ना, ये वाला फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपान एरिया। वन मिनट, हाँ यदि क्षेत्रफल अधिक हो और दाब कम हो तो पी बराबर एफ अपान ए, वो भी पी क्या होगा ऊपर की ओर दिशा, ए क्या होगा नीचे की ओर दिशा, और इसमें पी नीचे की ओर ए ऊपर की ओर। यही चर्चा करते हैं। जैसे कोई उदाहरण है जब दाब अधिक हो और क्षेत्रफल कम हो, जैसे चीरना,
चीरना, काटना, गाड़ना या चुभोना, और यहीं पर चर्चा करते हैं, यदि क्षेत्रफल अधिक हो और दाब कम हो तो कौन सा होगा? से ऊंट का रेगिस्तान में चलना, ऊंट का रेगिस्तान में चलना, ऊंट का रेगिस्तान में चलना, या रेत में गाड़ी के पहिए का हवा निकालना। रेत में गाड़ी के पहिए का हवा निकालना। आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए जब दाब अधिक होता है तो कैसा, चीरना, काटना, गाड़ना, चुभोना जैसी जो चीजें हैं या प्राकृतिक जो चीजें हैं वो आसानी से हो जाती हैं। कैसे वो समझेंगे, देखिए आप कोई भी वस्तु ना चाकू से काटते हैं तो चाकू क्या होती है, शार्प होती है, होती कि नहीं, एकदम शार्प होती है, पतली होती है, तो जो उसका क्षेत्रफल होता है वह कम होता है, होता कि नहीं। जब उसका क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक प्रेशर करेगा, और आसानी से कट जाएगी। वहीं पर चाकू शार्प ना होकर बल्कि मोटी हो तो क्या आप आसानी से किसी वस्तु को काट सकते हैं? नहीं। तो क्या हो जाएगा कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, एक गुब्बारा लीजिए, आप उसमें एक मोटी सी लकड़ी लीजिए, ऐसे यहाँ पे ठोकिए तो गुब्बारा आगे की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं आप एक सुई ले लीजिए और उसमें चुभो दीजिए तो गुब्बारा फट जाता है। क्यों? तो दाब अधिक होता है जब उसका क्षेत्रफल कम होता है। एग्जाम में आपसे इतना पूछेगा कि किसी वस्तु का जब क्षेत्रफल कम हो तो उसके दाब अधिक होता है या कम होता है। तो जब क्षेत्रफल कम हो तो दाब अधिक होगा, और क्षेत्रफल जब अधिक हो तो उसका दाब कम होगा। अब यहाँ सर चर्चा करेंगे या समझेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे ऊंट का रेगिस्तान में चलना, तो देखिए दोस्तों, जो ऊंट होता है उसके पैर ऐसे कुछ होते हैं ना, होते हैं ऐसे गद्दीदार पैर होते हैं, तो उसका क्या हो रहा है, एरिया, क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, क्षेत्रफल जो है इसका अधिक है, तो उसके गद्दीदार पैर उस रेत में आसानी से चारों तरफ एरिया लेकर एक तरफ रखते हैं कदम, फिर आगे की ओर रखते हैं कदम, तो वह एरिया ले लेता है और जो उसका पैर है उस रेत में नहीं धंसता है। और यही तुलना करते हैं हम घोड़ों की, तो घोड़ा लगभग 500 मीटर चलेगा या दौड़ेगा तो वह थक जाएगा। इसी की तुलना में यदि ऊंट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलेगा तब भी वह नहीं थकेगा, इसके पैर क्योंकि गद्दीदार तो होते ही हैं बल्कि ये चौड़ा होता है, और इसके क्षेत्रफल का जो एरिया होता है दोस्तों वह बढ़ जाता है, जिसके कारण ऊंट रेत में आसानी से चल लेता है। यदि घोड़ा चलेगा तो उसके पैर क्या होते हैं, ऐसे होते हैं पैर होते हैं, तो वह बार बार रेत में धंसेगा, जिससे उसमें बल अधिक लगाना पड़ेगा और वह अधिक दूरी नहीं तय कर पाएगा। देखिए, और इसमें समझिए, जैसे रेत में गाड़ी के पहिए का हवा निकालना है ना, तो जैसे क्या होता है, आप कहीं पर जाइए रेत में, कहीं पर भी, तो रेत में अगर आप दो पहिए या बाइक लेकर गए और आपकी बाइक आगे की ओर नहीं बढ़ रही तो आप उसके पहिए का हवा निकाल देंगे तो वह आसानी से आगे की ओर बढ़ चुकेगी, मतलब आसानी से आगे की ओर बढ़ेगी। फिर अपना देख के दुकान हवा भरवा लेना, ठीक। हाँ तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहीं तक, हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में इसी के बारे में, हम आपको उसमें थोड़ा वायुमंडलीय दाब के बारे में भी बताएंगे और कुछ परिभाषाएं या दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग क्या हैं, उपयोग क्या हैं, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।